इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका बार बार इसराइल को चेतावनी दे रहा था कि वो राफा पर हमले ना करे, और अगर वो ऐसा करता है तो राफा की लड़ाई में इसराइल का साथ नहीं देगा। हालांकि शुरुआत में जब राफा पर हमले की खबरें आईं, तो अमेरिका ने भी इन्हें हल्के में लिया और जिसका डर था वही हुआ। इसराइल में तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राफा पर चढ़ाई कर दी। लेकिन गाजा के इतर इजरायली सेना उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला के भीषण हमलों से जूझ रही है, और बार बार ऐसे हालात बन रहे हैं जब हिजबुल्ला और इजरायल में सीधा युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन अमेरिका ऐसी भरकस कोशिशें कर रहा है कि इजरायल और हिजबुल्ला के बीच सीधा युद्ध न छिड़े। खुद बाइडेन ने अपने विशेष प्रतिनिधि एमोस होचस्टाइन को इसराइल भेजा था और कहलवाया था कि नेतन्याहू हिजबुल्ला से पूर्ण युद्ध से दूर रहें। लेकिन जिसका डर था अब वही होने जा रहा है, और इससे पूरे मिडिल ईस्ट में भारी तबाही आ सकती है, या यूं कहें कि समूचे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल सकता है और नौबत तीसरे विश्व युद्ध तक आ सकती है। दरअसल हिजबुल्ला ने ताल ठोक कर ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल के साथ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला ने अपने एक संबोधन में इसका ऐलान किया है। यही नहीं, उसने साइप्रस देश को भी चेतावनी दी है कि अगर उसने इजरायली फौज की मेजबानी की तो अंजाम उसके लिए भी बुरा होगा। नसरल्ला का कहना है कि अगर इसराइल ने उसके ऊपर युद्ध थोपा तो हम बिना रुके, बिना किसी नियम के जंग की सारी सीमाओं के पार लड़ेंगे। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि इसराइल में उसकी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से कोई भी सुरक्षित पनाहगाह नहीं बचेगी। فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب. वहीं हिजबुल्ला के साथ बढ़ते टकराव को लेकर लगता है इजराइल ने उससे सीधे युद्ध करने का फैसला कर लिया है। दरअसल IDF के उत्तरी कमांड के मुखिया मेजर जनरल ओरी गॉर्डन और ऑपरेशन डायरेक्टर के मुखिया मेजर जनरल ओडेट बासियुक ने लेबनान के साथ युद्ध की योजना को मंजूरी दे दी है। IDF ने अपने एक बयान में कहा कि जनरल्स ने एक आकलन कार्यक्रम के दौरान लेबनान में युद्ध की योजना को मंजूरी दे दी है। IDF का ये भी कहना है कि शीर्ष कमांडरों ने जमीन पर सैन्य बलों की तत्परता बढ़ाने को लेकर भी फैसला ले लिया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि हाल ही में हिजबुल्ला ने कब्जे वाले फिलिस्तीन में अपना एक जासूसी ड्रोन भेजा था, जो काफी समय तक इजरायली सेना के अहम ठिकानों की खुफिया जानकारी जुटाकर वापस लेबनान लौट आया था, और इस ड्रोन को इजरायली सेना इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाई थी। और इसके बाद हिजबुल्ला ने कहा था कि अब उसके पास IDF के अहम ठिकानों की जानकारी आ चुकी है, और हिजबुल्ला ने ये भी कह दिया है कि अभी उसके पास ऐसे ऐसे हथियार बचे हुए हैं जिनका युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जाना बाकी है। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि अगर इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीधा युद्ध होता है तो उसमें ईरान भी कूदेगा। ये बात ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बगेरी कानी ने कही थी। अपने हालिया बयान में उन्होंने कहा था कि अगर इसराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया तो वो उसके लिए नर्क साबित होगा, जहां से यहूदी कभी वापस नहीं लौट पाएंगे।